नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पटना में पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। अनिल यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोलियां चलाई है। घटनास्थल से 4 खोखा और 1 कारतूस बरामद किया गया है। पीरबहोर थाना क्षेत्र के जामुन गली की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां अनिल यादव पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां पार्षद के भाई पर यह जानलेवा हमला किया गया है। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया गया है। पीरबहोर थाना क्षेत्र के जामुन गली की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने अनिल यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तो ये बड़ी खबर पटना से, बाइक सवार अपराधियों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की है। अनिल यादव पर यह फायरिंग की गई है। घटनास्थल से 4 खोखा और 1 कारतूस बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। पीरबहोर थाना क्षेत्र के जामुन गली की ये घटना है। पार्षद के भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, क्या जानकारी? पार्षद के भाई हैं अनिल यादव, जिन पर हमला किया है अपराधियों ने। देखिए, ये घटना जो है ये आज हुई है और इस घटना से इलाके में सनसनी मची हुई है। देखिए, दिन दहाड़े इस तरह की जो घटना हुई है, स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। और देखिए, खुद जो अनिल यादव के भाई है वो अंतिम संस्कार से लौट कर आ रहे थे। जो स्थानीय कार्यक्रम था उसमें वो गए हुए थे, जिस दौरान जो है अपराधियों ने जो पूरी इस घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में तैयारी कर रखी थी। जामुन गली चंबल घाटी है ये घटना का, फिर बोहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो है वहां पर चलाई है। यानी समझ सकते हैं कि एक बड़ी गोलीबारी की घटना वहां पे हुई है। हालांकि देखिए, इसका घटना में अभी हताहत होने की सूचना नहीं है। 4 खोखा और 1 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि आसपास में बहुत ही कमर्शियल इलाका है। सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है और पुलिस इन बिंदुओं पर देख रही है कि क्या कुछ जो है इस घटना का कारण है, आपसी रंजिश है या गैंगवार है, क्या कुछ मामला है। उन तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस की छानबीन चल रही है। मगर जो अपडेट्स है, दिन दहाड़े जो है इस तरह की घटना हुई है, स्थानीय लोगों में जो है डर का माहौल जो है वो कायम है। क्योंकि इससे पहले जो है कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले जो है फुलवारी में जो है हारून नगर कॉलोनी में जो है दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई थी। वो जमीन कारोबारी से जुड़ा हुआ मामला था। तो ये दूसरी घटना है जहां पर अपराधियों की तरफ से जो है बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और गोली घटना को की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े अपराधियों की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है। पीरबहोर थाना क्षेत्र के जामुन गली की यह घटना है।